हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी और अलग सा नाश्ता बनाएंगे जो कि सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चटनी पीसकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 2 हरी मिर्च जिन्हें की टुकड़ों में कट कर लिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी कटी हुई अदरक। इसी के साथ हमने लिया है 1 बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर, 1 कटोरी धनिया के पत्ते। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर के जार में डालेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है और पीस कर बिल्कुल इस तरह से हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे हम कटोरी में निकाल कर साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हमने लिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो सबसे पहले आलू को हम इस तरह से कस लेंगे जिससे कि आलू में एक भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी। तो दोनों आलू को हमने अच्छे से कस लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ी कटोरी गेहूं का आटा, आधी कटोरी ऐड कर देंगे इसमें हम बेसन और इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। फिर इसमें ऐड कर देंगे चटनी जो कि हमने सारी चीज़ों को पीस कर तैयार करी थी। तो थोड़ी थोड़ी करके आप डालें। और अच्छे से आटे में मिक्स करें और ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें पानी डालते जाएं और सारी चटनी डालकर अच्छे से मसलते हुए आटा गूंथ कर आप तैयार कर लें। और यदि आटा हाथों पे चिपके तो आप थोड़ा सा इस पर तेल लगा दें और अच्छे से फिर से मसलते हुए आटे को गूंथ लें। तो बिल्कुल इस तरह से हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के मैश किए हुए उबले आलू लिए हैं। इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिलाना है। और इस तरह से हम आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो हमने आटा गूंथा था उसमें से 1 बड़े साइज की लोई लेंगे और छोटी छोटी सी इस तरह से लोइयां तोड़ लेंगे। और सूखा आटा लगाकर इसकी हम पूड़ी बेलेंगे। बिल्कुल इस तरह से। फिर इसके साइड के किनारों को कट करके इस तरह से इसे हम चौकोर बना देंगे। और जो हमने आलू का मसाला बनाया था इसके सेंटर पर रख देंगे
और ऊपर से इस तरह फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा पानी लगाकर किनारों को अच्छे से चिपका देंगे, जिससे कि फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। तो इसी तरह हम और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ बनाकर तैयार कर ली हैं और इन्हें फ्राई करने के लिए तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो सावधानी के साथ इन्हें हम तेल में डालेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। धीमी धीमी आँच पर अलटते पलटते हुए इन्हें हमें फ्राई करना है और जैसे ही अच्छे से दोनों साइड से ये फ्राई हो जाएं, इनका कलर सुनहरा हो जाए, तभी हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी जो हमने आलू का मसाला भर के पॉकेट्स बनाए हैं उन्हें भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फ्राई करके रख लिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। इन्हें आप धनिया की चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।